हेलो फ्रेंड, डिवाइन यूट्यूबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मैं ब्लॉग लेकर आया हूँ, जो है ये दो नदियों का संगम का जो है ब्लॉग है, और ये बहुत ही बढ़िया ब्लॉग होगा आपके लिए। जो है देख सकते हैं, मैं अभी नाव पे खड़ा भी हूँ, और ये नदी आप जो देख सकते हैं, इससे पहले भी जो ब्लॉग एक नाव वाली आप देखे होंगे, लेकिन ये ब्लॉग अलग है उससे। और हम आज आपको बताने वाले हैं कि यहाँ से मुश्किल एक किलोमीटर की दूरी पे जो है ये नदी जो है जाके सरयू नदी मिलती है। उस जगह को बारानगर के नाम से जाना जाता है। और प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से थोड़े ही दूर जाने के बाद से जो है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। हमारे भाई जो है बता रहे हैं कि जो है उस पार आजमगढ़ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं। तो यही सब जो है आज के ब्लॉग में आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी जो अच्छी लोकेशन है, ठंड का मौसम है, काफ़ी ठंड भी इस टाइम पड़ रही है। बाकी वीडियो के थ्रू आपको दिखाते हैं कि यहाँ नदी के किनारे का किस तरह का जो है आपको नज़ारा मिलेगा, जबकि शाम का टाइम भी हो चुका है और ठंड के मौसम में बादल भी काफ़ी घना लगा हुआ है। देख सकते हैं छोटू किस तरह से अच्छे से जो है नाव चला रहा है। आजमगढ़ शुरू हो जाता है, मतलब समझ लीजिए कि यही नदी जो है यही डिवाइडेशन है गोरखपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर के लिए जो है। तो दोस्तों, चलते चलते थोड़ी और हम आपको लोकेशन दे देते हैं, क्योंकि नदी का किनारा है यहाँ पे जो है माझी लोग सानी लोग का जो है गांव है, तो यहाँ पे नाव काफ़ी तादाद में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे एक ही साथ जो है दो नाव आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक नाव ये है, एक नाव इसके बगल में ये भी है, और इस पे जो है बैलेंस मिल जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि उस पर जो है नाव बहुत ज्यादा वो कर रही थी, तो वो डेंगी थी, छोटी नाव होने की वजह से बैलेंस उसे नहीं मिल रहा था। ये बड़ी नाव है जिससे बैलेंस बराबर मिल रहा है, इसमें चलने उलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी देख सकते हैं कि नाव वहां थी, वहां से जो है मैं चढ़ा हूँ तो झटका लेके नाव यहाँ तक आ गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो कैसी बनी हुई है, कैसा लोकेशन है, ये सारा कुछ जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देख सकते हैं कि नाव पे ये हमारे माझी भाई लोग जो है ये रखे हुए हैं जाल वगैरह, जिससे जो है मछलियां वो पकड़ते हैं। और जो अभी नाव आप देखे साथ पीछे से गई हुई है, वो अभी जाल को गिरा रहे हैं, जिसको फंदा बोलते हैं, उसमें मछलियाँ फंसती हैं। इतनी टाइम वो जाल को गिराए हैं, अब सुबह को जो है उसको वो निकालेंगे, जो भी मछलियाँ फंसी रहेंगी उसमें से वो निकालेंगे, और फिर उनको जो बेच के वो अपने घर का जो भी खर्च है वो पूरा करते हैं, वही उनका व्यवसाय है। तो लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, और आप लोगों को बोर ना करते हुए मैं वीडियो को जो है यही विराम देता हूँ, द एंड करता हूँ। तो फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह का विलेज रिलेटेड जो है ब्लॉग पाना चाहते हैं, वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें। और जाते जाते मैं एक बार यहाँ गाँव का लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो है खर वगैरह है जो नदी के उस पार से ही आता है। आप देख सकते हैं उधर नदी के उस पार जो है बात के जो है ये खर रखा हुआ है, इससे जो है मड़ई बनाने का जो है काम लोग करते हैं, जिन लोगों को मड़ई बनाना होता है तो इसी से मड़ई को जो है छाया जाता है। और उस पार से इस पार भी जो है आया हुआ है, आप देख सकते हैं इस पार उस पार से ला के इस पार भी रखा हुआ है। ये सारा जो है एरिया
मतलब घर वगैरह जो है यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और प्लस ये गांव आप देख सकते हैं नदी के एकदम किनारे ये गांव है। बस अब यही वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।